राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम स्थित सरकारी स्कूल के बाहर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनके स्कूल को बंद ना किया जाए। आप नारों से समझ सकते हैं कि इस तरह से बच्चों को मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा है और प्रदर्शन करना पड़ा है। वहीं ये वीडियो पोल खोलती है आम आदमी पार्टी की सरकार की उन दावों की जिनमें कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में 500 नए स्कूल खोले गए हैं। दरअसल एक्सिस्टिंग स्कूल बंद किया जा रहा है, ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और उसके बाद बच्चों ने प्रदर्शन किया है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों की तस्वीरें सामने आई थी जिनमें देखा जा सकता था कि बच्चे जिन क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं वो दरअसल टीन के बने हुए हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी की एक नई पोल खुलती हुई नजर आ रही है आरकेपुरम स्थित सरकारी स्कूल से, जिस तरह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं, ये दर्शाती है कि राजधानी दिल्ली में शिक्षा मॉडल पूरी तरह से फेल है। ये एक दावा और है, और अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर जहां बच्चों के बैठने के लिए ढंग के क्लासरूम्स भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ाया जाता है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि यमुना पार के कुछ स्कूलों में बच्चों को महज 2 घंटे के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में दिन में केवल 2 घंटा कक्षा आयोजित करने के आरोप में आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है और जल्द ही लिखित में इसका उत्तर देने को कहा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें एक संस्थान ने यह दावा किया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2 घंटे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसके बाद अभी एक वीडियो सामने आ रहा है राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम के गवर्नमेंट स्कूल का, जो कि वाकई चौंकाने वाला है। जहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में आम आदमी पार्टी विज्ञापन दे रही है और स्कूलों की शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बता रही है, वहीं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है राजधानी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का। वहीं अगर कोई मीडिया रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है और सरकारी स्कूलों की दुर्दशा दिखाने की कोशिश करता है तो उनको पीटा जाता है और उनके कैमरे तोड़े जाते हैं। ऐसा हाल ही में देखने में आया था यमुना पार के एक स्कूल से, जो कि भजनपुरा में है, और वहाँ दूरदर्शन के एक न्यूज़ एंकर को पीटा गया था और उनका कैमरा तोड़ दिया गया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों को लेकर जो दावे कर रही है उनकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।